राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता सतीश पूनिया की हाल ही में जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो रही थी, तब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन राम मेघवाल, ओम माथुर, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, सांसद राजवर्धन सिंह राठौर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। लेकिन इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी सभी को अखर गई। ऐसे में प्रदेश के सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से कहां गायब है वसुंधरा राजे। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे युग का अंत हो गया है? सियासी जानकारों की माने तो पिछले 17 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब राजे की गैर मौजूदगी में सूबे में कोई नेता बीजेपी के मुखिया की गद्दी पर बैठा हो। एक वक्त था जब वसुंधरा के समर्थक कभी उनकी तुलना इंदिरा गांधी से करते थे। वो इंदिरा की तरह राजे के लिए कहा करते थे कि राजस्थान में राजे इज बीजेपी एंड बीजेपी इज राजे। लेकिन राजे का सूरज राजस्थान में तेजी से ढल रहा है। खबर है कि राजे के पक्ष में ये नारा लगाने वाले नेता भी अब महारानी के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि वसुंधरा ने नए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम पर एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि धौलपुर स्थित उनके महल में कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और इसलिए वो समारोह में नहीं आ सकी, लेकिन ये महज औपचारिकता है। महारानी नाराज है और वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा मोदी संघ लॉबी के राज्य को किनारे करने के अभियान के चलते हो रहा है। राजे इस बार एक साल पहले वाली हैसियत में नजर नहीं आए, जब उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का अध्यक्ष पद का नाम खुद की वीटो पावर से रुकवा दिया था। खबरों की माने तो राजे इस कोशिश में थे कि किसी तरह वो राजस्थान बीजेपी में उनकी पसंद के नेता को अध्यक्ष बनवा दे, जिससे परोक्ष रूप से वो सूबे में पार्टी के कमान खुद के पास रखे, जैसा पिछले 17 साल में राजे ने अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने पसंद के नेता को बैठा कर किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी राजस्थान में राजे को कमजोर करने के लिए विरोधी कैंप को मजबूत कर रही है। लक्ष्य साफ है, 2023 से पहले राजे को किसी तरह किनारे करना, जिससे 2023 में राजस्थान में सीएम की रेस में न राजे रहे और न ही उनकी ताकत बढ़ती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजस्थान बीजेपी में राजे युग का अंत हो गया है। इंडिया न्यूज़ फार्मिंग की रिपोर्ट।